नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की खास सीरीज एक मुलाकात नेताजी से। आज हमारी बातचीत जी नेताजी के साथ होने जा रही है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में दोस्तों से सांसद श्रीमती जसकौर मीणा जी हैं। आइए करते हैं उनसे कुछ खास बातचीत। मैडम, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। आप स्वयं मध्यप्रदेश से सांसद रही, आपने विधानसभा चुनाव भी स्वयं मध्यप्रदेश से लड़ा, तो इस बार दोस्तों जाने की क्या वजह रही? सवाई माधोपुर से सांसद रही, सवाई माधोपुर की जनता ने मुझे बहुत इज्जत दी और विधानसभा जब चुनाव लड़ा गया तो विधानसभा में भी दौसा की जनता, अपने सवाई माधोपुर की जनता ने मुझे आदर दिया। लेकिन जातीय समीकरण के चक्कर में हम उलझ गए और जातीय समीकरण के चक्कर में जब राजनीति आती है तो मैं उसको बिल्कुल हित की नहीं मानती, वो तो राष्ट्र हित की नहीं होती। दूसरी बात है कि अभी दौसा जाने का मेरा प्रमुख कारण है कि ये जनरल सीट है और इस जनरल भाई को मौका मिलना चाहिए और मैं जनरल सीट पे एसटी की हूँ, मैं अनुसूचित जनजाति की महिला हूँ, तो मैं एसटी की रिजर्व सीट पर दौसा भी गई। इसमें कोई मेरा कोई चयन ये नहीं था, भाई ठीक है यहाँ जनरल लड़ना चाहिए और मैं एसटी की सीट पर जाऊँ जहाँ मेरे लिए रिजर्व। आप अटल जी के समय उनके कार्यकाल में मंत्री रहे केंद्र में, इस बार आप सांसद चुनी गई, केंद्र में भी आपकी पार्टी की सरकार है, तो इस बार आपको मंत्री बने बनाया गया। मंत्री बनना कोई बहुत बड़ी बात है, एक कार्यकर्ता बनना जितना बड़ी बात है उतना मंत्री और प्रधानमंत्री बनना नहीं है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ और एक राष्ट्रीय विचारधारा की कार्यकर्ता हूँ। राष्ट्रीय विचारधारा की कार्यकर्ता के मन में किसी तरह का पदों का लालच नहीं होता। विगत 15 साल तक मैं संगठन में काम करती रही, मुझे कोई पदों का लालच थोड़ी था, मेरे संगठन के विस्तार का लालच है। आप जिस जिले से सांसद आती है उसका जातिवाद संघर्ष और आंदोलन से पुराना नाता है, क्या आपको नहीं लगता कि अब ये दाग धुलने चाहिए? ये जातिवाद को और जो पुराना जातिवादी संघर्ष चलता था उन नेताओं की हालत आज ये हो रही है कि उनको किसी भी तरह से बैठक नहीं मिली। मैं सर्व जाति की हूँ, सर्व समाज की हूँ, राजनीति जिसमें प्रजातांत्रिक राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति किसी जाति की नहीं है, ये सब जन समाज की है, सारे समाज की है, सारी जातियों की है। और राष्ट्र में यदि प्रगति करनी है तो हमको सर्व समाज का मुखिया भी बनना है। आप शिक्षा विभाग में अधिकारी रहे, आप वर्तमान में राजस्थान में शिक्षा के स्तर को किस रूप में देखती है? वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रगति भी है तो कुछ उसमें असंतोष भी है। असंतोष का प्रमुख कारण है कि राजनीति से जुड़े हुए कांग्रेसी नेता केवल अपने अपने तक सीमित हैं, अपने गांव तक सीमित हैं, अपने विधानसभा तक सीमित हैं। ये जब राष्ट्र तक सीमित हो तो इनका बुद्धि का विस्तार होगा। आज मैं सोचती हूँ कि हमारे देश का नेतृत्व एक ऐसे जुझारू, ऐसे राष्ट्रवादी, ऐसे महापुरुष के हाथ में है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। वो इस देश के नौजवानों को, इस देश की शिक्षा को, इस देश के किसानों को, छोटे बड़े व्यापारियों को, महिलाओं के सम्मान को जब लेकर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस भाव से जब चल रहे हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी गुणात्मक सुधार होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और आप मीडिया वालों को भी विश्वास देना चाहिए जनता को, क्योंकि आप सबके बीच में संवाद नहीं करते। धारा 370 को लेकर अभी भी विवाद तो नहीं थम रहा है, आज भी हम न्यूज चैनल देखते हैं डिबेट का मुद्दा ओनली धारा 370 ही रहता है। देखिए धारा 370 70 साल से जिन पार्टियों ने इसको पाल रखा था और कश्मीर के भाई बहनों के साथ जो अन्याय हो रहा था, केवल मात्र 3 परिवारों के बीच में भारत का धन जा रहा था, गरीबों का शोषण हो रहा था, आतंकवादियों को पनाह दी जा रही थी, उसको समाप्त होते ही स्वार्थी लोगों के पेट में दर्द हुए। अब वो पेट का दर्द अभी नहीं मिट रहा है, धीरे 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 उनकी दवाई लगेगी और उनको समझ में आएगा कि कश्मीर के भाई बहन, कश्मीर के नागरिक बहुत खुश हैं, उनके पास विकास का मौका मिलेगा, विकास का पूरा धन पहुंचेगा और पूरे देश में एक विधान, एक संविधान, एक निशान, ये लेकर जब एकता के भाव में चलेंगे तो इन स्वार्थी लोगों के, कांग्रेसी लोगों के जिन्होंने 70 साल से इस धारा को पाले रखा और हमारे देश की अखंडता में एक अलग था, आज हमारा देश अखंड है और अखंड भारत में कश्मीर भक्त भाई बहन अपने विकास का मौका पाएंगे। नए मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में जनता का कहना है कि सरकार हमें रोजगार तो दे नहीं रही, तो जुर्माना बढ़ाती जा रही है, ये समझ नहीं आ रहा। आप मीडिया वाले समझाइए उनको, मोटर व्हीकल एक्ट ये नागरिक की सुरक्षा का प्रथम दायित्व जिम्मेदारी पूरी करता है। एक तरफ आप ये देखिए कि ना लाइसेंस है हाथ में, ना हेलमेट है सिर पर,
ना किसी तरह के नियमों की पालना कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में हुए एक्सीडेंट होते हैं और एक्सीडेंट से वो परिवार दुखी होता है जिस परिवार का वो बंदा जाता है। ये कानून ऐसा बना है कि ये नागरिक की सुरक्षा और नागरिक की हिफाजत के लिए बना है, इसको समझने की जरूरत है। कैसे भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा? भ्रष्ट लोग भ्रष्टाचार बढ़ाएंगे, लेकिन भ्रष्ट लोगों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार निस्संदेह उनको दंड देने में लगी हुई है। आप रोज देखते होंगे कहीं ना कहीं सीबीआई कहीं आईबी के छापे पड़ रहे हैं। क्यों पड़ रहे हैं? ये भ्रष्ट लोगों ने, अब भी चिदम्बरम उसको देख लूंगा, चिदम्बरम कोई जेल में क्यों है? इतना बड़ा कद्दावर नेता, उसके पीछे राज क्या है? गरीब लोगों के पैसे उठा गए और धन दौलत के बिस्तर पर सो रहे, ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए। वर्तमान में राजस्थान में अपराध के स्तर पर, राजस्थान में किस अपराध के स्तर पर देख रहे हैं? क्योंकि आए दिन ना कोई बड़ी घटना हो रही है। हमारा पुलिस तंत्र कांग्रेसी नेताओं का गुलाम बन चुका है और इस वजह से पुलिस तंत्र की ये घटनाएं इनकी इनकी लापरवाही के कारण ये घटना है। क्या आप ये देखते होंगे कि भैरोड़ की घटना के पीछे पुलिस की कमजोरी नहीं थी? जो सीसीटीवी की फुटेज है उसने आंखें खोल दी, पूरे देश की आंखें खोली है। तो इनको समझना चाहिए, ये नेताओं ने इनको पनाह दे रखी और पनाह देते हैं तो गरीबों का शोषण कर रहे हैं। मैडम, आप मोदी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले तो अखंड भारत की नींव डाल, गरीब को आवास दे दिया, प्रधानमंत्री आवास दे दिया, माता बहनों को फ्री चूल्हा दे दिया। आज ये देखो कि जितने कानून इस बार लोकसभा में पास हुए भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, और वो कानून सारे के सारे जनहित के पास हुए हैं। और मैं आप देखिए कि विदेशों में इमेज हमारे पाकिस्तान को थर्रा दिया, कहाँ रहा है पाकिस्तान का? इमरान आज भीख मांगने की पोजीशन में आ गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमारे देश का नेतृत्व बड़ा मजबूत है और उस मजबूत नेतृत्व ने, अभी आप देखना ये 100 दिन हुए और 100 दिन नहीं, मैं सोचती हूँ 1 वर्ष होते होते आप देखोगे किसानों को, नौजवानों को, माता बहनों को, ग्रामीण लोगों को स्वच्छ पानी मिलेगा, बेहतर जल किसानों को मिलेगा, इनकी आय दोगुनी होगी, ये सारे काम होंगे और शुरुआत हो चुकी है। मैडम, दूसरा क्या आगामी विकास में आपका क्या योगदान रहेगा, क्या प्राथमिकता रहेगी? जल व्यवस्था बड़ी प्राथमिकता होगी, किसानों को जो उद्यानिकी की तरफ देना, उद्यानिकी की तरफ जोड़कर उनकी आय को 10 गुनी तक वृद्धि करने की मेरी कल्पना है, जो मैं शायद 2.5-3 साल में इस काम को पूरा करूँगा। मैडम, बहुत धन्यवाद।